दीदी जो भाई है तारा साला के देता है, साला बुनाई के देता है, उमुक के देता है, तुमुक के देता है। हम लोग साधारण पब्लिक को घर उड़ गया, चाल उड़ गया, हम लोग को किसी कुछ नहीं मिला। ये सरकार गिरेगा, ये सरकार आएगा तब जगह वो कमीशन बिठाएगा, तब जगह पता चलेगा कि दीदी चोर था, चोर है और डकैत है, डकैत का रानी है। टीएमसी हमारे पास है, टीएमसी अच्छे गुंडाबाज, अच्छा धंधाबाज, धंधाबाज हाँ, आम पाने टका लूट कर सब लूट, पैसा खत्म हो गया ममता बनर्जी का, अभी उसको देने का बंद कर दिया कि हम तो हर रहे। देखा प्रशांत किशोर, तुमने ऐसा टोटका चलाया और हम हार गए, तो उसको डांटना शुरू कर दिया प्रशांत किशोर, भाग गया। यहाँ पर हमारा तरफ बहुत युवा आदमी है, जिसको कोई नगरी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं। जो पैसा ममता बनर्जी दिया तो भाई बोरा सब हजम कर दिया, भाई बोने सब हजम कर दिया, भाई बोरा सब हजम किया। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। कौन खा लेता है, कौन खा जाता है आपका पैसा है? सब दीदी भाई बोरा खा जाता है। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, आमफान को कोई साहित्य नहीं मिलता है, आमफान को जो हिंदी आमफान को जो साहित्य दीदा है, तो दीदी भाई को दो चार आदमी को दे दिया, तो दीदी जो भाई है तारा साला के देता है, साला बुनाई के देता है, उमुक के देता है, तुमुक के देता है। हम लोग साधारण पब्लिक को घर उड़ गया, चाल उड़ गया, हम लोग को किसी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो दीदी रोकता क्यों नहीं है अपने, दीदी भाई को रोकता क्यों नहीं है कि चोरी ना करे? दीदी को भाई को रोकता को यही है जो दीदी को उतार के फेंक कर दो और बांग्ला बीजेपी सरकार को कहाँ फेंक दो, दीदी को उतार के फेंक दो, बांग्ला बाहर से फेंक दो, बांग्लादेश फेंक दो दीदी को। दीदी को बांग्ला नहीं सकता, दीदी तो बोलता है जो हम जय बांग्ला है, जय बांग्ला। टीएमसी में बोलता है तो टीएमसी में सुजाता मंडल खा बोलता है, जो सुजाता मंडल खा खान बोलता है जो गरीब दलित आदिवासी सब भिखारी है, जो तो देगा तो उसी लागेगा। वो तो कभी वोट बैंक हुआ करते थे, वोट बैंक होगा। सुजाता मंडल खा तो निजे भिखारी है, जनता पार्टी से जनता पार्टी থেকে চলে গেল আবার টিএমসি দেও তো ভিখারি হয় ভিক মাঙ্গেগা জনতা পার্টি খেয়েছে এখন টিএমসি দে ভিক মাঙ্গেগা। নাম কি তোর, নাম কি? মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন। আচ্ছা দাদা, পরিবর্তন আয় গায়া, পরিবর্তন বাড়ি রাউতারা গ্রাম পঞ্চায়েত ভালো হয়ে গেছে, রাউতারা গ্রাম পঞ্চায়েত ভালো হয়ে গেছে বাড়ি। টিএমসি ইয়া বিজেপি, বিজেপি 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 টিএমসি নেই না, কেউ কেউ টিএমসির অত্যাচারে আমরা এখন বিজেপি দলটা করছি, টিএমসির অত্যাচার। বিজেপি ভালো, বিজেপি ভালো, টিএমসি টিএমসি আমাদের পছন্দ, টিএমসি হচ্ছে গুন্ডাবাজ, আচ্ছা ধান্দাবাজ, ধান্দাবাজ হ্যাঁ, আম পানে টাকা লুট করা, আম পানে টাকা হ্যাঁ সব লুট, ঘরের টাকা 1,00,000 টাকা 50,000 টাকা ওদের কমিশনই, এই ওদের চরিত্র। ওই কারণে আমরা তৃণমূলকে আমরা পশ্চিমবাংলা থেকে মুছে দেবো। জবাব দেগা ইস ভোট মে মমতা ব্যানার্জি কো? দলিত তো কবি উনকা ভোট ব্যাঙ্ক হুয়া করতে থে, আব কিউ আব আব বোল কিউ রে, ভিখারি কিউ বোল রে? দলিত লোগো নে সমঝ লিয়া কি ভাই, দলিত লোগো নে সমঝ লিয়া কি ভাই সব ও চোর হে, ও ভাইপো কো বচা রহা হে আর ভাইপো কো করোড়পতি বানা রহা হে, এ দলিত লোগো নে সোচ লিয়া, সব সব সমঝ লিয়া দলিত লোগো নে, ইসলিয়ে দলিত লোগো নে ইস বার জবাব দেগা, ইস বার চুনাও মে জবাব দেগা দলিত লোগো নে। আচ্ছা ভাইপো করোড়পতি বান পায়া ক্যা? করোড়পতি তো অবিয়াসলি বানা হে, করোড়পতি আব অবিয়াসলি করোড়পতি, उसका घर देखे आपने, हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसका घर से सामने से जाते हैं ना, तो छवि उठे नहीं देता है कि बोले मैं लगो चलो मोबाइल लेके चलो यहाँ से भागो। अच्छा ऐसे करते हैं? ऐसे करता है शेख बनर्जी। हम गाड़ी चलाते हैं, कैब चलाते हैं, हम देखते हैं दिन रात, देखते हैं रात में। तो वो तो गरीब लोगों का दर्द है, इस तरह का पहरा लगा के रखता है ना घर के सामने, तो लगता है कि भाई अब कोई मिनिस्टर का घर होगा, कोई वो तो सांसद है, वो तो मिनिस्टर नहीं है, कोई मंत्री भी नहीं है, तो उसका घर में इस तरह क्यों पहरा है? हर घर से घर का बाहर से एक तो जो झारवाती दिखाई देता है वो करोड़ों में दाम है, करोड़ों का दाम है झारवाती का। दादा दादा वोट वोट जाके देखिए ना कालीघाट में, हम लोग डेली देखते हैं। डॉक्टर लाएगा वो वोट का रिजल्ट देगा, दो समय स्लाइन डॉक्टर दो चार डॉक्टर लाएगा, इस बार कहा जाएगा सन्नास चला जाएगा, सन्नास जेल में जाएगा, जेल में। दीदी तो सारदा के लिए सारदा का जितना पैसा दीदी ने खाया है, दीदी पूरा पूरा दीदी जानता है, उसका भाईपो के अंदर ही पास ही पैसा है, पूरा पैसा दीदी ने खाया है, 1,000 करोड़ रुपया सरोदा का पुश का पूरा दीदी के पास ही है। ये सरकार गिरेगा, ये सरकार आएगा तब जगह वो कमीशन बिठाएगा, तब जगह पता चलेगा कि दीदी चोर था, चोर है और डकैत है, डकैत का।
रानी है, पाकिस्तान अभी डकैत का रानी है, डकैत का रानी है, पाकिस्तान में बना देगा उसको, पाकिस्तान नहीं जाएगा। वो जो काम किया है ना सारोदा का, भी सारोदा को जेल में ठुसाया, उसका पैसा खाया, माओवादी को लेके, माओवादी को लेके जंगल महल में राजनीति किया, सब जगह जाएगा। राजनीति जो किया ना जंगल जंगल महल में हम थे, उस टाइम भी हमने गाड़ी चलाया, उस टाइम भी हमने गाड़ी चलाया जंगल महल में, तो देखा कि जंगल महल में माओवादी को लेके, जनसाधारण कमेटी को लेके इतना सारा केमिस्ट किया, उधर में डाकू को लेके। ममता बनर्जी की एक नेता सुजाता मोंडाल खान, उन्होंने दलितों को भिखारी बोल दिया, वो तो वोट चुनाव में जवाब जाएगा, दलितों का बोलने का अंजाम क्या होता है वो पता चल जाएगा। बोलने का कारण क्या था? बोलने का कारण था इसलिए कि मुसलमान को ज्यादा उठाओ और दलितों का दबाओ, कि मतलब दलित तो उनका वोट बैंक हुआ करते थे कभी? नहीं नहीं, उसका वोट बैंक वो तो सार्थो नीति में व्यवहार करते थे, उसका वोट बैंक नहीं है। 10 साल तक वोट दिया, वोट बैंक और नहले, वो बोल सकता है कि भाई, वो बोल सकता है, तभी तो बोला कि भाई हम इसका दूध खाएंगे, उसका लाठी मारेंगे तो उसका दूध हम खाएंगे, वो तो बोल दिया ना सबके सामने, उसको बोलना चाहिए था, ठीक है भाई हम कुछ नहीं है, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास करेंगे जैसे मोदी जी करते हैं, वो तो ऐसा नहीं किया, वो किया जिसका लाठी खाएंगे उसका तो दूध भी खाएंगे, उसको तो लाठी भी खाना पड़ेगा, ये तो बोल दिया सबके सामने। तो उसी टाइम तो सबने पता चल गया कि भाई ये इसको हटाना ही है, बंगाल से इसको हटाना ही है, नहीं तो मिनी पाकिस्तान बना देगा इसको, मिनी पाकिस्तान बना देगा, एकदम सही बात। मुसलमानों के लिए कुछ करेगा ममता बनर्जी? ममता बनर्जी मुसलमान को भी भटकाया, कुछ भी नहीं किया, मुसलमान को भी भटकाया, अभी अभी पता चल गया मुसलमान भी ये आपका बीजेपी में वोट देगा, जरूर वोट देगा, क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। तुष्टिकरण की राजनीति करी है? तुष्टिकरण का ममता बनर्जी ने किया, ये नहीं किया है तुष्टि बनर्जी का राजनीति। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो एकदम क्या बोलू उसके बारे में, बोलना ही बेकार। प्रशांत किशोर ने पलटी मार दी, वो तो अभी तो पलटी मारा है, उसको तो 400 ना 500 करोड़ के खरीद के ले आया, अभी तो उसने पलटी मार दिया, पैसे खत्म हो गए, पलटी मार दी, उसका पैसा खत्म हो गया ममता बनर्जी का, अभी उसको देने का बंद कर दिया कि हम तो हार रहे हैं। देखा प्रशांत किशोर, तुमने ऐसा टोटका चलाया और हम हार गए, तो उसको डांटना शुरू कर दिया, प्रशांत किशोर भाग गया। प्रशांत किशोर बीजेपी की तरफ क्यों चले गए? अब बोल रहे हैं कि नरेंद्र तो उसको जाना ही है, नहीं तो जेल में घुसना है उसको भी, ममता जी ममता के साथ भी उसको भी जेल में घुसना है कि तुम 400-500 करोड़ रूपए कहां से पाया। अच्छा, ठीक है, बचने की टेक्निक। और ममता इसीलिए बचने के लिए वो व्हील चेयर में घुस गया, वो व्हील चेयर में ही जाने वाला है जैसे जयललिता जेल गया था। अच्छा, 2 तारीख में ममता बनर्जी खेला होगा, 2 तारीख में ममता बनर्जी स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक होगा जरूर। जा रही है दीदी इस बार? दीदी इसीलिए जा रही है जो हम लोग को जनता को काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ? बहुत ऐसी काम है जो नहीं हुआ, सिर्फ बोल करके ही बात हो रहा मगर काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा? काम कहाँ हुआ? काम हुआ ही नहीं है। आयुष्मान भारत जो प्रकल्प निकला था, ठीक है, उसको हमारे पश्चिम बंगाल में ढुकने नहीं दिया, वो यदि ढुकता तो हमारे हर एक आदमी को काम होता, हॉस्पिटल में कोई भी नर्सिंग होम में। काम नहीं हुआ ना? कहाँ हुआ? हॉस्पिटल की हालत कैसी है? हॉस्पिटल का हालत तो अभी सर इतना अच्छा नहीं है। नहीं है, परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन तो होगा, और होने के बाद क्या सुधार होगा, विकास होगा? विकास होगा, कल कारखाना खुलेगी, ठीक है, जितना बेकार युवक है सबको सर्विस मिलेगा, ये 100% सर्विस नहीं अभी युवा के पास, कहाँ है सर्विस, कहाँ है लोग, जवान लड़का लोग हम लोग बेकार है। देखिए मोदी जो है वो बहुत काम करेंगे, सेंट्रल में बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी काम करेंगे, वो बात नहीं है, ममता का खाली बड़ा बड़ा बात है और कुछ नहीं है। काम होगा? काम तो जरूर होगा। ममता बनर्जी ने काम नहीं करा? नहीं काम कर रहे हैं, वो तो खाली बकरे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना? सब कुछ दिक्कत होता है, सब लड़की लोग अच्छा से चलने नहीं पाते, लड़का लोग का कोई गरीब लड़का का कोई काम वाम नहीं है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ममता जी जो 500 रुपया दे के पीके को यादव ले के आया है, यहाँ पर हमारा तरफ बहुत युवा आदमी है जिसको कोई नगरी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, नहीं है रोजगार नहीं है, लेकिन हमारा इधर जो युवा है 500 रुपया इधर खर्चा करने से मेरे युवा का लिए है
हैं, ये पीके से बहुत बहुत ज्यादा डायरेक्शन हम युवा इधर का युवा दे सकते हो। लेकिन दादा प्रशांत किशोर तो अब खुद पलट गए, बोल रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का ज्यादा दबदबा है, बीजेपी यहाँ पर आ सकती है, और ममता बनर्जी भी इस चीज को मानते हैं कि मोदी जी की लहर बीजेपी में चल चुकी है। ये तो प्रशांत किशोर खुद बोल रहे हैं। ठीक है ही बोल रहे हैं, खुद ठीक है, सच ही बोल रहा है। लेकिन जो हमारा इधर युवा है, हमारा 4 लाख युवा आदमी है इधर पर जो काम कर रहा है पीके के अगेंस्ट के लिए, पीके के अगेंस्ट काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि मेरा रोजगार चाहिए, काम चाहिए, नो संतरस, नो डिबेटेशन। तुष्टीकरण की राजनीति करी है ममता बनर्जी ने। यस, तुष्टीकरण के राजनीति करिए, मुसलमानों का इस्तेमाल कराए। हाँ करिए, मेरा पास 100 मुसलमान का आदमी है, मैं इधर सब लोग इधर है, मैं हिंदू हूँ बट लेकिन यहाँ पर मेरा 100 मुसलमान युवा आदमी मेरा साथ इधर आया है, हैं, मेरा गांव से हैं, सब लोग उधर बैठा हुआ है, हैं, हम लोग कोई डिविडेशन नहीं चाहिए, हम लोग सब एक साथ मिल के काम करना चाहिए। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम है? मेरा नाम रीना घोष। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हम बारासात से ही आए। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में? है बंगाल में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, एकदम होना ही चाहिए। अच्छा, अभी बीजेपी का आना ही चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ नहीं मालूम नहीं होगा ना। अच्छा, विकास और उन्नयन की बात जो अभी मोदी जी या फिर बीजेपी सरकार कर रही है तो कभी टीएमसी भी करती थी, ममता बनर्जी भी उन्नयन की बात करती थी, बीजेपी में ऐसा क्या अलग है? बीजेपी हम इतना साल से ममता बनर्जी को देखा है, पहले ठीक था, अभी तो आप लोग को सब कुछ मालूम है, लेकिन हम बीजेपी की थोड़ा चेंज चाहिए, चेंज चाहिए, एकदम चेंज।